आप में से ना बहुत सारे लोगों के ये कमेंट थे कि आप मायके में कितने भाई बहन हैं और आपके हस्बैंड के कितने भाई बहन हैं। और आज ना मैं आप सबको इन सब का क्वेश्चनों का आंसर देने वाली हूँ कि हम कितने भाई बहन हैं और मेरे हस्बैंड और हेलो दगड़ियों कंचिन तुम सभी उम्मीद कर दू कि सब ठीक वाला मैं भी ठीक छोक। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी बुटोला नेगी और स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। आप देख सकते मेरे चारों ओर का नजारा फिर से कोराई। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही चंबा ब्लॉक के एक छोटे से गाँव डिवोठी गाँव के डांडे से। और फिर से मेरे चारों ओर ना हमेशा कोहरा ही लगता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ तो पीछे से अचानक कोहरा लग जाता। तो दोस्तों आज की वीडियो ना पता नहीं 5, 6, 7, 8 पता नहीं कितने मिनट की बनने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी। मेरे पास कंटेंट भी नहीं है और आज हम कोई काम वगैरह भी नहीं कर रहे, इसलिए मैं ब्लॉग को छोटा छोटा ही करूँगी, मतलब छोटा छोटा बनाऊंगी। और दोस्तों आपको पता है कल ना मैं कटहल काट रही थी और मेरा हाथ भी कट गया, ये देखो अंगूठी भी कट गई। सगुआर बोलते हैं इसको, जो कि मेरे में है नहीं, और मेरी अंगूठी कट गई, इसलिए मैं आज मतलब कुछ काम नहीं कर पा रही क्योंकि अंगूठा कट रखा मेरा गहरा, इसलिए उल्टा हाथ का अंगूठा कट रहा, मतलब कट रखा उल्टे हाथ का अंगूठा, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही। तो दोस्तों क्या बोल रही थी मैं, पर वाली बारिश लगी है अभी, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से ना रगड़ा रगड़ा सब कुछ, यहाँ देखो पानी पानी हो रहा बारिश में, ये देखो इतनी भयंकर वाली बारिश लगी है। तो दोस्तों ना अभी फिलहाल मैं आग सेक रही क्योंकि ना मेरे कपड़े गीले हो गए, मैं बाहर बारिश में भीगी इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए। और मैं थोड़े से यहाँ पे आग सेक रही और ठंडा इतना भयंकर वाला लग रहा ना बाहर, इतनी भयंकर वाली बारिश है ना क्या बताना। तो मैंने जला रखी आग और मैं सेक रही आग को, और सासू जी जा रखे घास के लिए क्योंकि अभी अभी गए और बारिश होनी शुरू हो गई, और ठंडा भी इतना भयंकर वाला लग रहा, और ऊपर से ना मेरी उंगली भी कट गई, ये देख सकते हैं आप, पता नहीं कैसे कटी थी। और दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई में खाना खाया जा रहा और इधर को कुत्ते को भी दिया जा रहा, साथ में दो दो काम। जम्मू जमी बेर मखान मामा जाओ नी लुखुदिया खान मामा जाओ नी है तुम उते भी। आज जा रही हूँ मैं उधर वाले पेड़ पे अखरोट देखने के लिए कि वहाँ अखरोट पक रखे हैं कि नहीं पक रखे। आप वीडियो में बने रहना और वीडियो का ना स्किप भी मत करना। देखती हूँ यार, अभी तो फिलहाल अखरोट कच्चे होंगे और यहाँ पे ना खेत ऐसे फिसलन टाइप के हो रखे ना, पता नहीं कहाँ गिरूँगी मैं। फिर से आप बोल रहे आप डेली खेतों को क्यों दिखाती हो, वैसे मेरे पास खेती है दिखाने के लिए और कुछ है तो नहीं अभी, इसलिए मैं अपने खेती दिखाती हूँ आप सबको। और यहाँ पे ना फिसलन टाइप का हो रखा, यहाँ पे बैठ बैठ के जाना पड़ेगा क्योंकि फिसलन है यहाँ पे, फिसल भी सकती मैं इसलिए। किधर जाना, मैं वहाँ नीचे से जाऊंगी उस वाले पेड़ पे, जब नीचे से इस वाले यहाँ से दिखाई दे रहे तो नीचे क्यों जाना। दोस्तों मैंने यहाँ से ना छलांग मारी इसलिए वो हो गए, एक अखरोट का पेड़ ये भी है हमारा
और ऐसा घुसकर जाना पड़ता इन पेड़ों में। यहाँ पे सबसे पहले करती हूँ मैं अपने मायके की बात। मेरे मायके में हम हैं 3 भाई बहन। मेरा एक भाई है, एक दीदी है और एक मैं हूँ। सबसे छोटी मैं ही हूँ, मतलब सबकी लाडली भी मैं ही हूँ, छोटी भी मैं ही हूँ। और मेरे भाई की भी शादी हो गई, मेरे दीदी की भी शादी हो गई और मेरी भी हो गई, मतलब हम तीनों की हो गई अब शादी। हम तीनों भाई बहनों में से ना मैं ही बची थी शादी करने के लिए, अब मेरी भी शादी हो गई। तो दोस्तों मेरे मायके वाली फैमिली में हम 3 भाई बहन हैं और ससुराल वाली फैमिली में हैं 4 भाई बहन। दोस्तों मेरी ना 2 जठो हैं, जिसको मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ननद बोलते शायद ही, मतलब शायद क्या ननद ही बोलते। और गढ़वाली भाषा में 2 जठो हैं मेरी और दोनों जठो की शादी भी हो रखी। और एक जेठ जी हैं और एक मेरे पतिदेव, यानी कि 4 भाई बहन हैं और सबसे छोटे मेरे पति हैं। तो दोस्तों हम ना दोनों के दोनों फैमिली में सबसे छोटे हैं। यहाँ भी सबसे छोटी में आई मैं और वहाँ भी ना सबसे छोटी में थी और फाइनली पहुँच गई हूँ मैं। क्या बोलते, मेरे पति और 4 भाई बहन हैं, हम 3 भाई बहन हैं। मुझे संपूर्ण परिवार मिल रखा, मतलब मायके से लेकर ससुराल में। तो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं अखरोट के पेड़ पे। ये देख सकते हैं अखरोट का पेड़, ये पता है कौन सा वाले अखरोट है, दांती अखरोट है। ये हाथ से ही टूट जाते, बस मेरे सास जी बोल रही थी हाथ ही से टूट जाते। और ये अखरोट ना कटको और ऐसे खा रहे, ये देखो ये सारे से पक गए अखरोट, ये देखो ये देखो ऐसे आने लग गए ये सड़ा अखरोट। मेरे जवा गए खराब सड़े अखरोट। और देखती हूँ मैं इससे कौन कौन से अखरोट फटे रखे। हमारे बहुत सारे अखरोट उठे, एक वाला एक पेड़ वो वाला है वहाँ पे, कहाँ पे है वो दिखाई भी दे रहा। हाँ ये है उधर पे और एक यहाँ नीचे पे है, ये तो यही वाला दिख यहाँ पे है। और मैं निकालती हूँ अखरोट, उसके बाद मिलती हूँ आपको। क्या पता इस पेड़ पे मुझे ना शायद से फटाफटा अखरोट मिल जाए जो तुरंत निकले, पता नहीं यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उस वाले पेड़ के अखरोट देखती हूँ, मतलब सेम ही है उधर, क्या जाना जब इस वाले पेड़ पे हैं। और यहाँ से देखो ये मुझे नीचे से निकालने पड़ेंगे अखरोट, क्या मस्त आए हैं। मायके में तो हमारे अखरोट के पेड़ एक भी नहीं थे और ससुराल में बहुत सारे हैं अखरोट के पेड़, पर इसमें से मुझे ना फटाफटा अखरोट ही नहीं दिख रहा। कोई दिखता फटा अखरोट तब मैं खाती यार। तो दोस्तों ना कटकोर हमारे पूरे अखरोट खा रहा और मुझे तो मिल ही नहीं रहा तब से पूरे अखरोट पे देख रही। अब पता है मैंने शायद से वो ऐसे ही दांत से वो तोड़ा और मेरे यहाँ पे ना जलन टाइप की पड़ रही ऊँट पे, फट भी नहीं रखे यार। एक कैसे फट रखा था, उसको कटकोर ने खाया और वो फट रखा था, फट आई है। तो दोस्तों ना यहाँ पे मुझे एक भी पक्का अखरोट नहीं मिला, अब मुझे 2-4 कच्चे अखरोट तोड़ने होंगे फिर इनको ले जाने होंगे घर। 1-2 एक और तोड़ना यार, तो कहाँ से तोड़ूं, जुड़वा जुड़वा ये तो छोटा है, बड़े बड़े अखरोट तोड़ी में ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाल दिए 4 अखरोट और अब जा रही मैं घर की ओर। हमारे घर में कोई नहीं है ना, उसलिए जा रही मैं घर। कमेंट करके ये मत बोलना कि कच्चे अखरोट क्यों निकाल रही,
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना, जो नहीं है वो सब्सक्राइब करना, और पुराने वालों को पता है कि क्या करना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, उनको भी गांव की याद दिला दो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, जो नहीं है वो सब्सक्राइब करें, और पुराने वालों को पता है क्या करना। तो दोस्तों मैं सोनी बुटोला नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड। बार बारिश थी इसलिए टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का, और इसलिए नहीं बनाई मैंने वीडियो, और थोड़ा सा ना फ़ोन का कैमरा हिल रहा, तो दोस्तों फ़ोन का कैमरा भी हिल रहा था इसलिए मैंने कैमरे को सही किया। आज तो मुझे टाइम नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।